मेरा जन्म यहाँ हुआ, अगर ज़रूरत पड़े तो पासपोर्ट ले लेना मेरे से, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ लिखी हुई है ना, तो पासपोर्ट आप ले लेना, अभी मांग लेना। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरा विवाह यहाँ हुआ। मदन, एक पुरुष के लिए उसकी अर्धांगिनी सबसे करीब होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? होती है। तो मदन लोकप्रिय हो गया। तो मेरी पत्नी यहाँ से, खलील साहब मेरी पत्नी यहाँ से, मेरी एक ही बहन है, उसकी शादी में यहाँ पे हुई है, एक ही बहन है और कोई मेरे भाई बहन नहीं है, उसकी शादी यहाँ हुई। मेरी बेटी, उसका जन्म यहाँ हुआ है। मेरी पत्नी की स्कूलिंग से लेके इंजीनियरिंग सीटीआई से हुई है। और मेरी बेटी हमेशा मुझसे हमेशा एक कंप्लेंट करती है कि मेरे पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ कलड़वास क्यों लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई, तेरा जन्म गीतांजलि अस्पताल में हुआ और गीतांजलि अस्पताल में जन्म लेने के बाद उदयपुर में कलड़वास लिखते हैं, तो अब आप कहोगे साहब ये बच्ची तो उदयपुर की नहीं, ये तो कलड़वास भेजो इसको। ये कैसी बचकानी बातें, इन बातों में दम नहीं है। विकास की बात करो, युवाओं के रोजगार की बात करो, लोगों के जीवन की में क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करो, जगदीश चौक में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की बात करो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करो, छोटे दुकानदारों का व्यापार कैसे बढ़े इसकी बात करो, उदयपुर में टूरिस्ट फुटफॉल कैसे बढ़े इसकी बात करो, नए मिनरल्स और माइंस की उपलब्धता कैसे हो, उनकी खोज कैसे हो इसकी बात करो। लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक नया एक जुमला दिया था 6-8 महीने पहले, हेरिटेज वॉक, आपने भी सुना होगा। कौन कर रहा है वह हेरिटेज वॉक? कहाँ है वो हेरिटेज वॉक का सर्किट? वो बताएं हमको आके कि कौन सा हेरिटेज वॉक हो रहा है। ना तो वो वॉक करते हैं, ना टॉक करते हैं कि झीलों की नगरी में मटके खाली क्यों है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की एब्सेंस की वजह से दूषित पानी घरों में सप्लाई क्यों हो रहा है, झीलों में क्यों डायरेक्ट जा रहा है, क्यों टूरिस्ट फुटफॉल नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों माइनिंग इंडस्ट्री जो कि हमारी जो मंडी थी मार्बल की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी थी, आज क्या हालत हो गई, क्यों हम नए मिनरल्स की खोज नहीं कर पा रहे हैं। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और आप मुझसे काउंटर सवाल भी पूछना। उदयपुर शहर के लोगों को इस बात में कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि पिछले 8 महीने से घर घर मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाकर प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी सुन रहा था। एसी चलता है, हमारे भाजपा के नेता रेस्ट करते हैं तो उनको पता ही नहीं। तो एक साल नहीं, दो साल नहीं, 10 साल नहीं, मरते दम तक उदयपुर में प्रोफेसर गौरव वल्लभ रहेगा, ये गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनके पास उनका ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत है। उनके जो वर्कर्स है, वर्कर्स, जब मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, वर्कर्स मिलते हैं कि साहब ऐसे कान में बोलते हैं, साहब आप जीत रहे हो। मैंने कहा कौन आप? मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष, मैं एबीवीपी का अध्यक्ष, ये मुझे कान में बोल के जाते। तो मैंने कहा फोटो खींचवा ले, तो बोले फोटो सर 3-4 दिन में खिंचवाता हूँ। कि साहब ये मल्टी लेयर पार्किंग जो आपने सूरज पोल पे बनाई, वहाँ दो ही गाड़ियाँ दिखती है साहब, और पता नहीं किसकी है वो मदन, दो गाड़ियाँ पता लगाना यार तू। वो दो ही गाड़ियाँ वहाँ दिखती है और तीसरी गाड़ी नहीं है। एक और आपको अद्भुत इनका कारनामा बताता हूँ। आपने आज तक चौराहे जो सर्किल है वो तो छोटे देखे होंगे और रोडे चौड़ी देखी होगी, इन्होंने उन चौराहों को बड़ा कर दिया, रोडे सकड़ी कर दी। ये कहाँ से आता है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो उदयपुर शहर के प्रत्याशी हो, वो कभी जगदीश मंदिर नहीं जाते? चलो साहब जगदीश मंदिर नहीं जाते होंगे, महाकाल जी जाते होंगे। बोले महाकाल जी भी नहीं जाते साहब, महाकाल जी नहीं जाते, चलो साहब नीमच माता, अंबा माता, कालका माता जाते होंगे, चल के वहाँ भी नहीं जाते बोले वो। चलो साहब वहाँ नहीं जाते तो मेवाड़ के एक ही नाथ एकलिंग नाथ जी में तो जाते होंगे, वहाँ भी नहीं जाते। चलो साहब वहाँ भी नहीं जाते तो भगवान श्री महावीर जी के मंदिर तो जाते होंगे, बोले वहाँ भी नहीं जाते। और सवाल करते सनातन के, अब बताओ आप, खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को दे उपदेश, हमसे सनातनी का सवाल पूछ रहे हैं? हमसे सनातन है सर्वधर्म संभाव, सनातन है वसुदेव कुटुंबकम,
सनातन ये है कि दूसरे धर्मों में जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करो। सनातन ये है कि दूसरे धर्मों को नीचे दिखाने का प्रयास मत करो। सनातन ये है कि मेरा और प्रभु का जो रिलेशनशिप है, भगवान श्री राम, जगदीश भगवान, अम्बा माता का और गौरव वल्लभ का जो रिश्ता है, वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बखान मत करो। हम तो उन परंपराओं का निर्वाण करते हैं, मुझसे सनातन ही पूछेंगे। रामचरितमानस की चौपाई आती नहीं और सनातन की बातें करते हैं। अब मेरी आयु कितनी है वो तो मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मरते दम तक उदयपुर शहर की सेवा में रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो कुछ तो अच्छा, कुछ तो अच्छा यहाँ के महाराणाओं ने और सुखाड़िया साहब ने अच्छे काम खूब किए। आपने कहा ना कुछ तो अच्छा, कई चीजें अच्छी है, पर इन्होंने क्या किया? अगर जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया सुखाड़िया साहब ने, अगर पूरे प्रदेश में पहला कृषि विश्वविद्यालय बना सुखाड़िया साहब ने बनाया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सुखाड़िया साहब ने करा, अगर पेयजल की समस्या का परमानेंट बड़े पैमाने पर हल किया सुखाड़िया साहब ने किया, तो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें तो अद्भुत है। और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं तो अभी धनतेरस में लक्ष्मी मंदिर जाके अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए धन ऐश्वर्य मांगूंगा और फिर सब आपके लिए मांगूंगा। इससे अच्छी चीज क्या है कि दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में, एकमात्र माता लक्ष्मी का मंदिर है, एकमात्र। और दुनिया में कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं भी लक्ष्मी माँ का मंदिर नहीं है, उसको हम डिवोशनल टूरिज्म स्पॉट नहीं एस्टेब्लिश कर पाए। जगदीश चौक पे हम टूरिस्ट सुविधा केंद्र का एक टेंट नहीं लगवा पाए। टूरिस्ट आते गली का पता लगता नहीं है, इस गली में जाते हैं उस गली से निकलते, परेशान होके बोलते अरे यार बाहर चलो। कि दुनिया में वाटर कंजर्वेशन का पहला प्रोजेक्ट उदयपुर के महाराणाओं ने लाए कि एक झील भर जाए तो वो पानी ऑटोमेटिकली दूसरे झील में चले जाए, दूसरे झील भर जाए तो ऑटोमेटिकली वो पानी तीसरी झील में चले जाए। इससे अद्भुत वाटर कंजर्वेशन का आर्किटेक्चर आज से 500, 700, 1000 साल पहले पूरी दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता, ये अच्छी चीज है। जगदीश मंदिर जिसमें जाते ही सारे दुख, सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती है, वो अच्छी चीज है। और कचोरी और पोहे भी अच्छी चीज है। प्रधानमंत्री जी के पास आईबी की रिपोर्ट जाती है, जाती है कि नहीं जाती है ना अध्यक्ष जी? आईबी की रिपोर्ट ने उनको ये जरूर कहा होगा कि शहर सीट तो गई, इसलिए यहाँ पे आके मत भाषण देना। हमारे आला कमान शहर में आएंगे, मीटिंग्स लेंगे, रोड शोज करेंगे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आईबी ने कहा साहब वहां जाना मत, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है साहब वहां पे, एकजुट होके तो आप तो बाहर ही निपटाओ। कांग्रेस में परंपरा नहीं है कि साहब 15 लाख दे देंगे चुनाव के नतीजों के बाद, अरे वो तो यूं ही बोल दिया यार छोड़ो, ऐसी परंपरा नहीं है। ना तो हमारे वर्कर्स को ये अच्छा लगता है, ना हमारे नेताओं को ये अच्छा लगता है, ना हमारे सीनियर लीडर्स जो दिल्ली में बैठे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ झूठ बोलो तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि प्रोफेसर गौरव वल्लभ जवाब देगा और फैक्ट्स के साथ देगा। अब आपने मैं कई बोलन बताऊँ, अब झारखंड में मैं मान लो अच्छा पढ़ लिख गया और मेरी जमशेदपुर में नौकरी लग गई, तो मैं क्या कहूँ नहीं पढ़ूँ मैं तो साहब यहीं बैठूँगा, पढ़ूँगा नहीं और नौकरी नहीं करूँगा। उदयपुर शहर के कितने लोग देश के, और देश ही नहीं दुनिया में, कल मुझे एक व्यक्ति मिले जो वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, तो क्या उनको क्या बोलूँ वहाँ मत जाओ आप भटियानी छोटा में बैठो। एक मिनट सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, तो मैं उनको ये बोलूँ कि आप यहाँ मत जाओ यहीं बैठो।